हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस जगह पे ये जो आप देख रहे कंक्रीट का पार्ट, यहाँ पे बनाया जा रहा है टोल प्लाजा। जी हाँ, 32 लेन का, 16 लेन ईस्ट साइड, इसलिए यहाँ पर ये कंक्रीट वर्क आपको दिख रहा है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोना में, वहाँ से लेकर और आगे तक तो जो बनाया जा रहा है वो तो ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है ना। पूरा ये कंक्रीट का तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है टोल प्लाजा। जब आप सोना में कनेक्ट करोगे तो यहीं पे सबसे पहला टोल प्लाजा आपको मिलने वाला है। जगह है संचोली, आगे आपको मिलने वाले हैं पिलर्स बहुत सारे, क्योंकि वो पिलर्स की मदद से ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये क्रॉस करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। जी हाँ, इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट पे जो कि बनाया जा रहा है डबल डेकर मालगाड़ी के लिए, और इसलिए यहां पर आपको ढेर सारे पिलर्स दिखने वाले हैं। तो सामने इस जगह पे ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं ये तो बनाए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए और ये भी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, जो कि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मालगाड़ी इसके ऊपर से होकर गुजरने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो हाइट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये जो पिलर्स है इसकी रखी गई है 40 फीट तक। जो पिलर्स इसके आसपास है, यानी कि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन बनाई जा रही है, ये बीच की दूरी भी अच्छी खासी है, तो इसीलिए इन पिलरों को मजबूत तो बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे इन पिलरों के आसपास अर्थवर्क का काम भी किया गया है। वैसे तो ये जो जा रहा है ना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दो लाइन का ही है, एक जाने के लिए एक वापस आने के लिए। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे अच्छी खासी की गई है, और पहले ही यहाँ पर अर्थवर्क का काम कर दिया गया है, कि यानी कि फ्यूचर में अगर इंडियन रेलवे इस पर और ज़्यादा ट्रैक ऐड भी करता है तो भी यहाँ पर पिलर की दूरी इतनी ज़्यादा है कि बड़े आसानी से कर भी सकते हैं, और उसके अलावा ये जो पिलर्स हैं इनको मजबूती भी थोड़ी मिल जाती है। कुछ वक्त पहले तक आपको यहाँ पे एक व्हीकल अंडरपास दिखता था, जो कि अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिट्टी डाल दी गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे ये जो अर्थवर्क का काम चल रहा है ना, ये इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट का ही चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को, और ये जो लाइन जा रही है आगे स्ट्रेट, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट पर काम कर रही है L&T, जो इंडियन रेलवे का ये प्रोजेक्ट है, इस पर L&T काम कर रही है। चलो और भी आगे आपको लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। वैसे सच में ये मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन इसकी मदद से ना ये जो अर्थवर्क का काम इतने हाइट तक किया है, इन पिलरों को तो सच में अच्छी खासी मजबूती मिल गई है। पहले से इसे इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाया ही है, और साथ ही साथ ये अर्थवर्क का काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है इन ट्रकों की मदद से, ढेर सारी मिट्टी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे 1,00,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे भी बन सकता है जिस पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी लेन दिया जाएगा। जी हाँ, उसके अलावा इसके आसपास पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, हर 500 मीटर पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी होने वाले हैं, हर 25 किलोमीटर पे आपको ई व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी दिए जाएंगे। तकरीबन इस पे 2000 के आसपास फ्यूल स्टेशंस भी होने वाले हैं, और हर 1 घंटे के अंतराल पे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे कि होटल, मोटेल, रेस्ट रूम, ढाबा, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होने पे एयरलिफ्ट किया जा सके, और इसीलिए इस पे हेलीपैड का भी प्रोविजन दिया गया है। अभी वैसे ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस एक्सप्रेसवे ने अभी से ही नए नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं।
सामने एक और रोड जो कि है सोना बल्लभगढ़ फरीदाबाद रोड, और उसे भी ये क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे भी इसीलिए आपको इतने सारे पिलर्स दिख रहे हैं। इस रोड को तो अभी डाइवर्ट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे अभी पिलर कैप का काम चल रहा है। जब पिलर कैप का काम कंप्लीट हो जाएगा और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो इसको जब पिलर्स पर रखा जाएगा तब जाकर इस रोड को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे डाइवर्ट नहीं किया गया है, इसलिए आपको ये यहाँ पर स्ट्रेट ही दिखने वाला है ये जो पूरा रोड है। लेफ़्ट जाऊँगा तो मैं जा सकता हूँ सोना, राइट जाऊँगा तो मैं जा सकता हूँ बल्लभगढ़ फरीदाबाद, लेकिन अभी मैं इन दोनों में से कहीं भी नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ, जो कि अभी कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ हम और आप जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हर कोई इसे यूज़ करने वाला है। वक्त जो कम लगने वाला है, ट्रैवल टाइम कम लगने वाला है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का, यानी कि दिल्ली से मुंबई जाने का, अभी फ़िलहाल जो 24 घंटे लगते हैं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद, सिर्फ 12 घंटे में हम और आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है ये इंडिया के सबसे बड़े स्टेटों से होकर गुजरने वाला है, वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पर भी ये जो पिलर्स को कनेक्ट करना है इसका काम तो बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत पहले से ही किया ही जा रहा है, और टीम इस पर काम कर रही है। पिलर कैप का भी काम इस पर कंप्लीट हो चुका है। ये वो साइड है जिस साइड में अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ये वो साइड है जब आप आएंगे गुड़गांव की तरफ से और जाएंगे मुंबई की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान की तरफ। देखा सरिया था वो बहुत बड़ा सा इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को ऐसे टर्न किया। अब आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि एक एक्सप्रेसवे और इतने सारे स्टेट से होकर गुजरने वाला है तो ये इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में तो मदद करने ही वाला है ना, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक और होकर गुजरने वाला है 6 स्टेट से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। क्रेन लगा हुआ है और क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से अभी कनेक्ट किया जाएगा। जेसीबी की मदद से जो मिट्टी है ना उसे किया जा रहा है पूरी तरीके से बराबर, ताकि वहाँ पर उस जगह पर क्रेन को खड़ा किया जा सके। ये जो देख रहे हो पिलर्स, और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का यहाँ पे काम चल रहा है, और इसीलिए आपको यहाँ पे क्रेन भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको टीम भी दिख रही है, और सामने व्हीकल भी दिख रहा है जिस व्हीकल के ऊपर आपको बड़ा सा ये दिख रहा होगा जो सेगमेंट है। देखो देखो कितना बड़ा व्हीकल है ये। इस एक्सप्रेसवे को कवर करने का फ़ायदा तो ये हुआ है कि ऐसे ऐसे मुझे व्हीकल्स या ऐसे ऐसी मशीनरी मुझे दिखी है कि मैंने अपने लाइफ में इससे पहले कभी देखी भी नहीं थी, और आई होप आपने भी नहीं देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट करके बताना। मैं ये नहीं कहता कि आप सबों ने नहीं देखी होगी, आप में से कुछ ऐसे तो लोग होंगे मेरे जैसे, सिविल से कोई लेना देना जिनका था नहीं, लेकिन देश से लेना देना था, और इसी वजह से ये वीडियो देखते भी हैं और मैं इसी वजह से आपको दिखाता भी हूँ। अगर बारिश हुआ तो बड़े आराम से ये जो ग्रीन पट्टी बनाई गई है इसमें बारिश का सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इससे होगा यूँ कि वो जो पानी है बारिश का वो बर्बाद भी नहीं होगा, और जो ये भूजल है वो भी रिचार्ज हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इनको भी पानी मिल जाएगा, है ना। देख रहे हो हर चीज़ का इस पर ध्यान रखा गया है, हर छोटी छोटी चीज़ होगा, इसीलिए एक्सप्रेसवे खास बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बीच में ना इसके ग्रीन पट्टी जब ये पूरी तरीके से लग जाएगा और ये सेट हो जाएगा ना, तो सच बताऊँ ये पूरा सा एक मिनी जंगल टाइप हो जाएगा। इस जगह पे अगर आप देखोगे ना, जो सोना से स्टार्ट होता है और केएमपी इंटरचेंज है वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा काम हो चुका है, यानी कि 80% काम हो चुका है
ये जो पहला इंटरचेंज है जो कि सोना में स्टार्ट होता है और जो दूसरा ख़त्म होता है खलीलपुर गांव केएमपी एक्सप्रेसवे के पास, तो इन जगहों पे तो ब्लैक टॉप का भी काम हो चुका है, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बने थे वो भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा खासा काम जो है वो कर लिया गया है इस पूरे एक इंटरचेंज से लेकर दूसरे इंटरचेंज तक। और अच्छी बात ये है कि अब ना मैं इस पर आराम से ड्राइव भी कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे याद है जब ये बनना शुरू हुआ था तब तो इस पर कुछ होता भी नहीं था, रास्ते भी नहीं थे। कीचड़ से होते हुए अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जाना ना, मुझे याद भी नहीं कि कितनी बार मेरी गाड़ी इसमें फंसी होगी, सच में मैं काउंट नहीं कर सकता। लेकिन फ़ायदा ये था कि जो टीम है ना उन्होंने बहुत मदद करी है मेरी गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा। अब हम पहुँच चुके हैं गडई वाजिदपुर में, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पिलर्स, और इन पिलरों की मदद से यहाँ पर ये होने वाला है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होने वाला है फ्लाईओवर के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक रोड है और जिसकी वजह से इसे एलिवेटेड बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया है और पिलर कैप का काम फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरीके से जितने भी पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए पूरी तरीके से जितने भी पिलर्स बनने थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं और पिलर कैप का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहुंचने वाले हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सोहना में, जहां पर इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हम और आप इस पर कनेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। और कनेक्टिविटी से मुझे याद आया, इसका जो इंटरचेंज का काम है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और यहाँ पर ये तो ब्लैक टॉप का काम है जो कि कम्प्लीट कर लिया गया है, ब्लैक टॉप बनकर तैयार। और ये पूरा क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आगे दो व्हीकल अंडरपास आपको दिखेंगे। तो ये है नू की तरफ से, आप जैसे ही आओगे तो आप यहाँ से लेफ्ट लोगे और फिर ये जो पूरा इंटरचेंज बनाया जा रहा है इसकी मदद से आप कनेक्ट हो जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे इंटरचेंज का काम चलता हुआ, अर्थवर्क का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इंटरचेंज है वो बनाया जा सके। और अर्थवर्क के काम के बाद काम चल रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, जी हाँ सेगमेंट के थ्रू। और फिर ऐसे ही होते हुए आप राइट की तरफ जा सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पे सोना रोड को क्रॉस करते हुए इस तरफ जाने वाला है आगे की तरफ, यहाँ पे भी सोना रोड के बीचों बीच एक ये पिलर बनाया गया है और फिर ये आगे की तरफ जाएगा, उस तरफ से हम आए थे। ये देखो उधर भी काम चल रहा है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है ना, और इस सोना रोड पर भी काम चल रहा है, इस पे भी टीम काम कर रही है। और इसी रोड की मदद से अब मैं सीधा जाकर राजीव चौक पे कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर राजीव चौक पे कनेक्ट होने के बाद दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।
जगह है ही अलीपुर और ये NCR का सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल का शोरूम है। वैसे ये जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ सर्विस रोड है दो लेन का सोना रोड का, और ये जो देख रहे हो एलिवेटेड रोड एक्सप्रेस लेन है ये पूरा एक्सेस कंट्रोल, जिस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है ना वैसे ही। तो इसी की मदद से आप अगर राजीव चौक यानी कि आप अगर आते हैं ना दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, तो इसी रोड की मदद से आप कनेक्ट होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।